हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आज डिस्कस करेंगे हम लोग 1 मई से लेकर 15 मई का करंट अफेयर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन में सबसे पहले आज हम लोग इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग वन लाइनर बुलेट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल इन ऑल ये सेशन आपको कंप्लीट देखना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैं जो भी आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ वो सेशन जरूर लेंदी होता है, लेकिन उसमें कंप्लीट डेटा जो है कवर अप करवाया जाता है। ओके, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सेशन कंप्लीट देखना है। ये सेशन आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसमें भी करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, उन सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप लोगों को इसका ई बुक चाहिए तो आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से इसका ई बुक जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ओके, कोचिफाई का एप्लीकेशन आप लोगों को इधर प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है एंड आप लोग कोई भी ई बुक, कोई भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो तो या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना, बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरबीआई का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है आपकी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए, वो सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। प्रीवियस 6 मंथ का जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। एंड उसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस के जो सेशंस है, मैंने करंट बैंकिंग भी बनाया हुआ है, स्टैटिक बैंकिंग भी बनाया हुआ है। जो भी प्लेलिस्ट मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया है, वो सारे सेशन को फॉलो कीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशन है अगर आप आरबीआई ग्रेड भी दे रहे हो तो। ओके, और अगर आपकी कोई फर्दर कोई रिक्वायरमेंट होगी रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको सेशन प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, एंड आने वाले डेज में आपको और भी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस भी मिलने वाले हैं। बजट का एक सेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, तो बजट का एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। और भी आपको फर्दर जो भी एग्जामिनेशन के लिए डेटा अगर रिक्वायर्ड होगा तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन रैंक एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 21-22। सो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 21-22 के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में रैंक कर रही है। ओके, सो वो है कर्नाटका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका जो है वो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में सबसे ऊपर में आती है, मतलब कि टॉप पे रैंक करती है। ओके, देन इसके बाद आएगा आपका तेलंगाना, देन आएगा तमिलनाडु। ओके, अगर मैं बात करूँ हिल स्टेट की तो इसमें टॉप करता है उत्तराखंड। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली यूटी की तो ऊपर आता है दादरा नगर हवेली, देन आता है दमन एंड दीव। ओके, एंड अभी जैसे कि हम लोगों ने बात किया, सिर्फ स्टेट की बात किया, देन मैंने कुछ हिल स्टेट का बताया आपको कि टॉप हिल स्टेट में आती है उत्तराखंड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूटी में बात किया तो आपको आंसर करना है कि दादरा नगर हवेली टॉप है, देन उसके बाद आता है दमन। लेकिन अगर मैं सबको मिक्स कर दूं और मैं आपको पूछूं कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है तो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। फर्स्ट वन जो है टॉप पे, दैट इज कर्नाटका, देन आता है दादरा नगर हवेली, देन आता है दमन एंड दीव, देन आता है तेलंगाना, देन आता है तमिलनाडु। ओके, सो ये मर्ज करके किया हुआ रैंकिंग है और इंडिविजुअल रैंकिंग भी मैंने आप लोगों को बताया। ओके, इसके अलावा अगर आपको पूछा गया कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी है तो वो है झारखंड, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। जैसे कि मैंने आप लोगों को टॉप मोस्ट बताया, उसी तरह लो परफॉर्मिंग स्टेट्स भी आपको ध्यान में रखनी है, वो है झारखंड, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेशनल इनोवेशन सर्वे फर्स्ट टाइम जो कंडक्ट करवाया गया था वो 2011 में कंडक्ट करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 बाय द रिपोर्टर्स विदाउट अ बॉर्डर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रैंकिंग पूछा गया है इंडिया का इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ओके, सो इंडिया का रैंकिंग है इस साल का 161st। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो भी इंडेक्स एंड रैंकिंग से होते हैं। आप लोगों को एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलते ही है, एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है। तो आपको ये जो सब टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स का, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग से स्पेशली। ओके, एंड उसमें से ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एंड पूछा जा सकता है। इसमें क्या करना है आपको, टॉप जो 3 कंट्रीज है वो ध्यान में रखना है, लीस्ट कंट्रीज ध्यान में रखना है, इंडिया का रैंकिंग ध्यान में रखना है, दैट्स इट। ओके, सो इंडिया का रैंकिंग जो है आउट ऑफ 180 कंट्रीज 161 है विद द स्कोर ऑफ 36.62। अगर मैं टॉप कंट्री की बात करूँ तो नॉर्वे है जो कि 7th टाइम कॉन्जिकटिवली इस रैंकिंग में टॉप किया है। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 7वीं बार कॉन्जिकटिव नॉर्वे ने जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किया है। ओके, नॉर्वे के बाद सेकंड रैंक आता है आयरलैंड का, देन आता है डेनमार्क का। ओके, अगर मैं बॉटम लीस्ट कंट्रीज की बात करूँ तो आती वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। एंड इसका थीम भी इस बार रिलीज हुआ, थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ओके, एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज किया गया, मतलब कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जो है पेश किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च G20 टेक प्रिंट 2023। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि G20 टेक स्प्रिंट जो है 2023 का वो किसने लॉन्च किया ये हमें बताना है। सो वो है BIS एंड RBI, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एंड दी RBI जो है, इन दोनों ने मिलकर जो है G20 टेक स्प्रिंट को जो है 2023 का उसे लॉन्च किया है। ओके, ये जो है ये किसके लिए लॉन्च किया है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सीयू चैन पोर्टल। सीयू चैन पोर्टल क्या है ये हमें बताना है। सो ये जो है ये जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उनके लिए ये नया पोर्टल बनाया गया है। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, अ न्यू पोर्टल फॉर द फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। UGC ने जो है इसे लॉन्च किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसे जो है लॉन्च किया है इस सीयू चैन पोर्टल को, और ये किसके लिए किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट फॉर द फिस्कल ईयर 22-23। 2022-23 का करंट करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया ये हमें पूछा जा रहा है। सो वो RBI द्वारा रिलीज किया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI ने जो है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 का जो है वो रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क इज बिंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो किस शहर में बनाया जा रहा है ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसका जोगीघोपा, ऑप्शन बी। जोगीघोपा जो है वो आसाम में आता है और यहाँ पर इंडिया का पहला मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। ओके, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या ध्यान में होनी चाहिए। सो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि किसके अंडर में इस प्रोजेक्ट को जो है इस पार्क को जो है बनाया जा रहा है। तो भारतमाला परियोजना जो है गवर्नमेंट की, इसके अंडर में जो है इसे डेवलप किया जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज दिस पार्क इज मेड बाय द नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्क है ये NHRDCL द्वारा जो है बनाया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जो पार्क है ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को क्या करने वाला है, बूस्टअप करने वाला है। ओके, दैट्स इट, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आसाम में जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अगर आपको सिटी पूछा जाए तो वो रहेगा जोगीघोपा। ओके, भारतमाला परियोजना जो है गवर्नमेंट की, उसके अंडर में जो है इसको डेवलप किया जा रहा है एंड NHRDCL द्वारा इसे बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम। देयर आर टोटल हाउ मेनी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन द LEI कोड। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सेबी ने जो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को इंट्रोड्यूस किया है। सो कितने कोड्स जो होते हैं LEI में होते हैं ये हमें बताना है। ओके, सो LEI कोड में 20 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर कोड होते हैं। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो सेबी द्वारा किया गया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। अगर आपको अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने होते हैं LEI कोड में ये पूछा गया तो आपका आंसर होना चाहिए 20। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि LEI कोड को कौन इशू और मैनेज करता है, तो वो खुद लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड जो है वो खुद LEI कोड्स को इशू और मैनेज करवाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट वन है ये वाला क्वेश्चन, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इंक्लूडेड अंडर द गतिशक्ति इनिशिएटिव। सो गतिशक्ति इनिशिएटिव के अंडर में कौन सी स्कीम्स जो है वो आती है, ये पूछा जा रहा है। ओके, रिसेंटली जो है कुछ चेंजेस जो है वो हमें देखने मिले। सो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि इसके अंडर में कौन सी स्कीम्स इंक्लूडेड है। ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। भारतमाला भी है, सागरमाला भी है, उड़ान भी है, इकोनॉमिक जोन्स भी है। सो ऑल ऑफ दी अबाउ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिशक्ति इनिशिएटिव substance infrastructure schemes under various ministries and state government including national infrastructure pipeline, Bharatmala, Sagarmala, inland waterways, dry and land ports, Udan, economic zones, textile clusters, pharmaceutical clusters, defense corridors, electronic parks, industrial corridors, fishing cluster and agri zones। So ये सारी चीज़ें जो है गति शक्ति इनिशिएटिव के अंडर में इंक्लूड होती है। ओके, सो हमें क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे जो कि गति शक्ति के अंडर में आते, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ। Okay, next one. PM Narendra Modi has inaugurated how many FM transmitters across 18 states and 2 union territories? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मोदी जी ने जो है recently FM transmitters को जो है 18 states and 2 union territories में जो है inaugurate किया। तो कितने FM transmitters को इन्होंने inaugurate किया, ये हमें पूछा जा रहा है। That is 91। Option C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 91 FM transmitters को across 18 states and 2 UTs में जो है मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात की जा रही है और वो नंबर आपको सारे ध्यान में रखना रहेगा। पहले कितने एफएम ट्रांसमीटर, तो है 91, कितने स्टेट्स और यूटी में किया ये भी ध्यान में रखना रहेगा, 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती है वो ये कि ये जो 91 लो पावर एफएम ट्रांसमीटर्स को जो है इनॉग्रेट किया गया, इनका कैपेसिटी कितना है, दैट इज 100 वाट कैपेसिटी। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन इंट्रोड्यूस प्लान टू एस्टैब्लिश एन ऑनलाइन बैंक क्लिनिक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक क्लिनिक। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बैंक क्लिनिक को जो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। सो इसका पर्पस क्या है, हमें ये पूछा जा रहा है। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबाउ। टू प्रोवाइड कस्टमर विद अ प्लेटफॉर्म टू रेज देयर कंसर्न्स एंड ग्रीवेंसेस, टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, टू प्रोवाइड फीडबैक टू बैंक ऑन एरिया ऑफ सर्विस डिफिशियंसीज। ओके, सो आंसर जो इसका ऑल ऑफ दी अबाउ है। अब आपको क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है और आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बैंक क्लिनिक किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो AIBEA द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। ओके, अब ये बैंक क्लिनिक क्या है, बैंक क्लिनिक विल प्रोवाइड कस्टमर विद अ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट वे टू हैव देयर कंप्लेंट एड्रेस्ड, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑन बैंक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, allowing them to focus on providing better services to the customers। मतलब आप लोगों को इसके माध्यम से जो भी आपका कंप्लेंट रेज हुआ है, वो आपका जो भी कंसर्न है कोई चीज़ को लेकर, वो सॉल्व किया जाएगा, वो रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और ये जो बैंक क्लिनिक को लाने का एक ही उद्देश्य था कि जो कस्टमर का बैंक का जो रिलेशन है वो अच्छी तरीके से बना रहे। ठीक है, टू इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे हो। ठीक है, ताकि कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो। तो बैंक क्लिनिक जो है वो क्या करेगा, जो भी कस्टमर की ग्रीवेंसेस रह गए, जो भी कस्टमर के कंसर्न्स रहेंगे, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन था हमारा कि पर्पस क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, किसके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है, AIBE का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट हैज़ द बेस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस ग्लोबली इन मार्च 2022-23 as per aviation analytics firm सीरियम। सो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि एविएशन एनालिटिक्स फर्म जो सीरियम है उसके अनुसार इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जिसने मार्च 2022-23 में बेस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस दिया है ग्लोबली। ठीक है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में वो बेस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस देने वाला इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है, ये हमें बताना है। दैट इज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंड ये किसने रिलीज़ किया है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीडीएम द्वारा जो है ये रिलीज़ हुआ है बेस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इसको फॉलो किया है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, मतलब कि फर्स्ट रैंक आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एंड सेकेंड आता है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। ओके, अब ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर जो फ्लाइट्स है वो ऑन टाइम लैंड होती है और ऑन टाइम डिपार्ट होती है। ओके, सो उसी के बेसिस के ऊपर जो है ये रैंक दिया गया है एंड टॉप किया है राजीव गांधी ने। देन नेक्स्ट वन है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेम द न्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर तारी टैपर्स इंट्रोड्यूस बाय दी तेलंगाना गवर्नमेंट। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक न्यू इंश्योरेंस स्कीम जो है जो तारी टैपर्स होते हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया है। सो उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। उसका नाम है गीता कर्मिकुला भीमा। ये जो है ये उस न्यू इंश्योरेंस स्कीम का नाम है जो कि तारी टैपर्स होते हैं उनके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। द स्कीम इज सिमिलर टू राइतु बीमा प्रोग्राम फॉर फार्मर्स एंड इज एम एट प्रोवाइडिंग financial assistance to the families of tadi rappers who die due to accident while collecting ताड़ी फ्रॉम द पाम ट्रीज इन द फील्ड। ओके, सो जो ताड़ी टैपर्स होते हैं जो कलेक्ट करते रहते हैं पाम ट्री से ताड़ी, उस समय पे अगर उनका एक्सीडेंट होता है और उनका देहांत हो जाता है तो उनके फैमिली के सपोर्ट के लिए उन्होंने इस थीम को लेकर आए हैं। अगर उनका डेथ हो जाता है तो उन्हें 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपीज़ जो है उतनी अमाउंट जो है उनको जो है डिसीज जो तारी टैपर है उसके फैमिली मेम्बर को उसके बैंक अकाउंट में वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो गीता कर्मिकुला भीमा इस न्यू इंश्योरेंस स्कीम का नाम है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल विच रन 17 to 20 मीटर बिलो सी लेवल। सो हमें लेंथ बताना है जो कि इंडिया का फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल जो बनने जा रहा है उसका, जो कि सी लेवल के 17 टू 20 मीटर बिलो जो है रन करने वाला है। ओके, सो उसका लेंथ है 2.07 किलोमीटर। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये मुंबई महाराष्ट्र में जो है इस ट्विन टनल को बनाया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल है ये। ओके, जो कि रन करेगा 17 टू 20 मीटर बिलो सी लेवल। ओके, एंड इसका लेंथ कितना है 2.07 किलोमीटर। सो इस प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट इनिशिएट किया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। दैट इज 12,721 करोड़ रुपीस जो है इनिशिएट किए गए हैं बीएमसी द्वारा। और ये कहां पर बनने वाला है, ये लिंक करेगा मरीन ड्राइव टू बांद्रा वैली से लिंक। ओके, और ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर 2023 तक ये ओपन हो जाएगा। ओके, सो आपको इसका लेंथ ध्यान में रखना है, ये कितने मीटर बिलो जो है बन रहा है ये ध्यान में रखना है, कहां पर बन रहा है ये भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द 100 days 100 pays कैंपेन। सो 100 डेज 100 पेज कैंपेन की जो अभियान जो है इसकी शुरुआत किसने किया है ये हमें बताना है, किसने इसे लॉन्च किया ये बताना है। दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। टू सेटल द टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विद इन 100 days। ओके, सो इसका एम क्या है ये भी आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जो 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट है हर एक बैंक के हर एक डिस्ट्रिक्ट के 100 days के अंदर में जो है वो सेटल किए जाएंगे। ओके, सो ये जो कैंपेन लाया है ये आरबीआई ने लाया है। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट विथ हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट है जिसने हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग में टॉप किया है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा उधार लेने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। दैट इज़ तमिलनाडु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरी साल ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु जो है वो हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग है एज पर दी आरबीआई। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन इंडिया व्हिच कंपनी हैज सरप्राइज इन्फोसिस एंड बिकेम द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे ये बोला गया कि कौन सी इसमें से कंपनी है जिसने इन्फोसिस को सरपास किया है एंड वो 6th जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है इन द स्टॉक मार्केट। ओके, वो है आईटीसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 6th पोजिशन पे इन्फोसिस थी, इसको पीछे कर दिया गया है एंड आईटीसी जो है अभी वो 6th पोजिशन पे आ गया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन की टॉप जो कंपनीज है उसका चार्ट आपके सामने मेंशन किया है, आप देख सकते हो। रिलायंस से, देन TCS से, देन HDFC, देन ICICI है, देन हिंदुस्तान है, देन ITC, देन इन्फोसिस, देन HDFC, SBI, भारती एयरटेल। तो ये टॉप 10 जो कंपनीज है मैंने आपके सामने मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज जो है वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई, आप ध्यान में रख सकते हो। क्यों या इस क्वेश्चन को लाया गया क्योंकि यहाँ पे ITC ने सरपास किया इन्फोसिस को, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंसर्ट किया। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मशीन कैन सी समिट 2023। सो मशीन कैन सी समिट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, ये जो समिट है ये यूएई गवर्नमेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ एआई एंड इट्स पोटेंशियल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द यूएई विजन ऑफ क्रिएटिंग द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको इसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस जो समिट था इसको किसने लॉन्च किया है, तो यूएई के गवर्नमेंट ने ही इस समिट को जो है लॉन्च किया है। ओके, ये समिट कहाँ पर हुई? द समिट वॉज हेल्ड एट द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इन दुबई एंड एक्सप्लोर द करंट एडवांसमेंट ऑफ एआई, इट्स एप्लीकेशन, इट्स फ्यूचर इन द यूएई एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऑल इन ऑल यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके एडवांसमेंट की बात की जा रही है, उसका जो उसका फ्यूचर यूएई में कैसा रहेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैसा रहेगा, उसके लिए इस समिट को लिया गया। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू ज्वाइन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो आईसीओ के कॉर्सिया एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल को कौन से ईयर से जो है ज्वाइन करेगा, दैट इज फ्रॉम 2027। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली यहाँ पे कॉर्सिया का फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जा सकता है, कोई भी एक लेटर को लेकर भी और कंप्लीट भी, तो आपको ये ध्यान में रखना रहेगा। सो इंडिया आईसीओ के कॉर्सिया एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल को 2027 में ज्वाइन करेगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, हू अमंग द फॉलोइंग विल लीड एन इंडियन डेलीगेशन टू 76 कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो 76 कान्स इंटरनेशनल फेस्टिवल है इसमें इनमें से कौन है जो कि एज इंडियन डेलीगेशन जो है वहाँ पर लीड करने वाले हैं, ठीक है, वो है डॉक्टर एल मुरुगन। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है ये एक इंडियन डेलीगेट है जो कि लीड कर रहे हैं 76 कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ओके, इसके अलावा अब आप लोगों को कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने रहेंगे, ठीक है। इस साल जो है 4 इंडियन फिल्म जो है शोकेस की जाने वाली है, ऐसा अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। वो 4 फिल्म्स कौन सी है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आगरा, ठीक है, देन कैनेडी, नेमिट एंड मणिपुरी फिल्म जो है इशानू, ये 4 फिल्म्स जो है ये शोकेस की जाने वाली है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आगरा जो है वो किसकी फिल्म है, अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी है, ठीक है। सो मैंने ऑथर जो डायरेक्टर है उनके साथ जो है वो फिल्म मेंशन की हुई है। वो 4 फिल्म्स के नाम आपको ध्यान में रखनी रहेगी जो इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है शोकेस की जाने वाली है। ओके, इसी के साथ साथ थीम आपको ध्यान में रखनी रहेगी। थीम जो है वो है शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिविटी इकोनॉमी टू दी ग्लोबल कम्युनिटी। ओके, ये ध्यान में रखना रहेगा। जो फिल्म फेस्टिवल है वो 16 मई से लेकर 27 मई के बीच में जो है वो होने वाला है। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडियन डेलीगेट है जो कि लीड करने वाला है वो है एल मोरिगन। ओके, देन उसके बाद जो जूरी जो है वो है स्वीडिश फिल्म मेकर रूबेन जो है उन्हें चूज़ किया गया है टू प्रिसाइड ओवर द जूरी फॉर दिस ओकेजन। ओके, एंड जो माइकल डगलस है उन्हें जो है पाम दी ऑनर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है उससे उन्हें नवाजा गया है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि मैंने आपको बताया, वो आपको ध्यान में रखना है। 4 फिल्म्स, उसके नाम, थीम ध्यान में रखनी है। ओके, और इंडियन डेलीगेट कौन से हैं जो कि लीड कर रहे हैं उनका नाम ध्यान में रखना है। एज अ जूरी किसे जो है चूज किया गया है वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। एंड जो ये पाम दी ऑनर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है जो कि काफी बड़ा अवार्ड माना जाता है वो किसे दिया गया ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पे हैज अनाउंस्ड द रीब्रांडिंग ऑफ पे बैक इंडिया एज डैश। सो भारत पे ने पे बैक इंडिया की रीब्रांडिंग के रूप में किसको इसमें से चुना है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जिलियन। सो अब जो भारत पे ने ये जो अनाउंसमेंट की है उसके बाद पे बैक जो है वो जिलियन के नाम से जो है वो जाना जाएगा। ओके, सो उसने रीब्रांडिंग कर दिया है भारत पे ने, पे बैक का हो जाएगा अभी जिलियन। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर न्यू दिल्ली में जो है एस्टैब्लिश किया है, दैट इज ऑप्शन ए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया है मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर न्यू दिल्ली में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कोलैबोरेटेड विद NAFED, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, has launched the first ever Millet Experience Center at Delhi Hatt, New Delhi, in order to enhance the public awareness on millets and encourage the utilization of millet. Okay, so millet का जो पब्लिक अवेयरनेस है वो एनहांस करने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और एनकरेज करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने कोलैबोरेशन किया है नेचुरल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के साथ, एंड उन्होंने फर्स्ट एवर मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर जो है न्यू दिल्ली में जो है इसे लॉन्च किया है। ओके, सो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। NAFED के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया गया है, इसे एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, यहाँ पे NAFED की बात की जा रही है तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है राजबीर सिंह पवार और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, और आपको सभी को ये भी बात पता होगी कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट जो है ये अनाउंस किया गया था, एंड 72 कंट्रीज ने ये जो रिकग्निशन जो है ये एक्सेप्ट भी किया था। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल ईयर जो है वो 2023 है और इसे 72 कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन पेनलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर वायलेटिंग द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रूल 2006? सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि RBI द्वारा जो है इनमें से कौन सी बैंक है जिसे दंडित किया गया है, मतलब कि पेनाल्टी लगाई गई है। ओके, क्योंकि जो कुछ नियम था कंपनी का वो उन्होंने जो है उसका उल्लंघन किया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। उस बैंक का नाम है HSBC बैंक, और इस HSBC बैंक पे RBI ने जो है 1.73 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी जो है वो लगाई है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपको अमाउंट ध्यान में रखना रहेगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि RBI ने HSBC पे कितना अमाउंट का पेनाल्टी जो है वो लगाया, दैट इज 1.73 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट वन है, व्हाट वाज द एम ऑफ द हरित सागर गाइडलाइन 2023 व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज? सो यहाँ पे ये बोला गया कि हरित सागर गाइडलाइन 2023 का जो है एम क्या है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा जो है लॉन्च किया गया। सो इसका एम है जीरो कार्बन एमिशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो सर्बानंद सोनोवाल है पोर्ट शिपिंग के मिनिस्टर, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ओके, सो इसका टारगेट जो है दैट इज जीरो कार्बन एमिशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, इसी के साथ साथ सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड जो है वो भी दिए गए, ठीक है। सो वो किसको किसको दिए गए ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। जो सागर श्रेष्ठ अवार्ड्स जो है वो कुछ मेजर पोर्ट्स को जो है वो दिए गए, आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहला जो है अवार्ड दिया गया है बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 22-23, ये दीनदयाल पोर्ट जो कांडला में है उसे दिया गया। ओके, देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मिला गया है अवार्ड फॉर अचीविंग मेजर माइलस्टोन इन टर्न अराउंड टाइम। देन पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में सिचुएटेड है, इसको दिया गया फॉर दी परफॉर्मेंस चिल्ड ऑन शीप ब्रेथ डे आउटपुट। देन करमजार पोर्ट जो है, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ठीक है, करमजार पोर्ट, जिसे कि प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। एंड कोचीन पोर्ट केरला जो है उसे शील्ड इन टर्न अराउंड टाइम नॉन कंटेनर पोर्ट के लिए जो है अवार्ड दिया गया। ओके, सो ये 6 जो भी 5 अवार्ड्स दिए गए ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड जो है वो मेजर पोर्ट्स को दिए गए हैं। ओके, सो ये 5 अवार्ड्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। दीनदयाल पोर्ट को कौन सा मिला है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कौन सा मिला है, पारादीप पोर्ट को कौन सा मिला है, देन राजर को कौन सा मिला, एंड कोचीन पोर्ट को कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम सऊदी अरेबियाज न्यू ई वीजा सिस्टम? सो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने न्यू ई वीजा सिस्टम जो लाया है उसका बेनिफिट इनमें से कौन सी कंट्री को होने वाला है? आंसर हो जाएगा आप लोगों का इसका ऑप्शन ई, जॉर्डन, UAE, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। सो इन 7 कंट्रीज़ को जो है बेनिफिट होने वाला है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो सऊदी अरेबिया ने न्यू एक ई वीज़ा सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया है, जो कि ट्रेडिशनल वीज़ा स्टिकर्स को जो है रिप्लेस करेगा, ये 7 कंट्रीज़ में। ओके, सो ये 7 कंट्रीज़ के नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव विल प्रोवाइड अ मंथली इंसेंटिव ऑफ 1500 टू ऑल एलिजिबल वुमेन इन द स्पीति वैली। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जो है इनिशिएटिव लिया गया है जिसके थ्रू मंथली 1500 इंसेंटिव जो है वो एलिजिबल वुमेन जो है स्पीति वैली की उन्हें दिया जाएगा। सो वो आता है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत 1500 रुपीज़ जो है वो एलिजिबल वुमेन्स को दिया जाएगा स्पीति वैली की। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग न्यू फीचर दैट एयरटेल पेमेंट बैंक हैज इंट्रोड्यूस इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई। सो कौन सा नया फीचर इनमें से एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके, दैट इज फेस ऑथेंटिकेशन फॉर एईपीएस। एईपीएस क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये एक न्यू फीचर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर जो है इंट्रोड्यूस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर एमपॉक्स। व्हाट इज एमपॉक्स? सो WHO ने एमपॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो अनाउंस किए। तो एमपॉक्स क्या है ये पूछा जा रहा है। एमपॉक्स एक वायरल डिसीज़ है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड जो होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से ये स्प्रेड होता है। तो ये एक वायरल डिसीज़ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एमपॉक्स पहली बार ह्यूमन में 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है ह्यूमन में देखने को मिला था। ओके, सो ये एक वायरल डिसीज़ है जिसको WHO ने अनाउंस किया गया है हेल्थ इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट रिसीव द अवार्ड फॉर द बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2022-23। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2022-23 के लिए किसने जो है अवार्ड रिसीव किया है, दैट इज दीनदयाल पोर्ट कांडला ने जो है बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर जो है इसका अवार्ड जो है जीता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑलरेडी ऊपर मैंने आप लोगों को जो अवार्ड्स दिए गए ये 4-5 पोर्ट्स को दिए गए मेनली, वो सारे नाम मैंने आपको ऊपर मेंशन किए थे, उनमें से ये क्वेश्चन रिपीट आया हुआ है बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। रिमेनिंग वन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो आपको वो सारे के सारे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च सक्षम। व्हाट डज सक्षम स्टैंड्स फॉर? हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इन्होंने सक्षम को लॉन्च किया है। सक्षम का जो है पूरा फुल फॉर्म क्या है ये हमें बताना है, दैट इज ऑप्शन सी स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ओके, सो ये फुल फॉर्म है सक्षम का। सक्षम इज़ एन इंटीग्रेटेड एंड स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एम एट प्रोवाइडिंग मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन इंडिया। सो इंडिया के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है आपको, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप बाय, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इसे जो है डेवलप किया गया है फॉर द लर्निंग एंड ट्रेनिंग इन दी हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल कलेक्शन सर्विस ऑफर्ड बाय द कैश फ्री पेमेंट्स एंड येस बैंक। क्या बोला गया है कि कैश फ्री पेमेंट्स एंड येस बैंक द्वारा जो है ग्लोबल कलेक्शन सर्विस जो है वो प्रोवाइड की गई है, वो ऑफर की गई है। तो उसको बोला जा रहा है कि वो क्या है, ठीक है, ग्लोबल कलेक्शन सर्विस क्या है। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंड इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स। ओके, सो ये ग्लोबल कलेक्शन सर्विस मतलब होता है इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विस फॉर दी एक्सपोर्टर्स। ओके, सो इसे ऑफर किसने किया है, कैश फ्री पेमेंट्स एंड येस बैंक द्वारा जो है इसे ऑफर किया गया है। एंड ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन है, ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 42nd समिट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन असेन हैज किक्ड ऑफ इन इंडोनेशिया। व्हाट इज द थीम ऑफ द समिट? सो असेन का 42nd का समिट जो है वो इंडोनेशिया में है, उसका थीम क्या ये पूछा जा रहा है, असेन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ द ग्रोथ। ओके, सो करंटली असेन में 10 कंट्री मेंबर्स है, तो वो आपके सामने मैंने मैप के माध्यम से भी रखा हुआ है एंड आपको डेटा भी दिया हुआ है। सो आप ये 10 कंट्रीज जो इन्वॉल्व है असेन में वो आपको ध्यान में रखना है, ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो ये 10 मेंबर कंट्रीज है असेन की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की। ओके, इसका 42nd नंबर का समिट जो है वो इंडोनेशिया में हुआ, जिसका थीम था असेन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ द ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव सिग्निफिकेंट लिथियम रिजर्व रिसेंटली बिन डिस्कवर्ड इन इंडिया। रिसेंटली लिथियम के के रिजर्व जो है वो पाए गए, तो वो कहाँ पर खोजे गए हैं, कहाँ पे पाए गए, ये हमें बताना है। रिसेंट की बात की जा रही है तो रिसेंटली राजस्थान में पाए गए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में भी लिथियम रिजर्व जो है वो डिस्कवर किए गए थे, ठीक है, एंड उसके बाद जो देखे गए हैं वो राजस्थान में पाए गए, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और राजस्थान में जो पाए गए उसका अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो देखने मिला है, ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। एंड ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में एग्जैक्टली कहाँ पे पाए गए, तो राजस्थान में डेगाना नागौर में जो है लिथियम रिजर्व्स जो है वो पाए गए, ओके। एंड इससे पहले जम्मू कश्मीर के रैसी में जो है डिस्कवर किए गए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company has retained the top spot in the average 2023 PIC matrix service provider of the year award for the IT service for the 7th consecutive year? So यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी कंपनी जो कि टॉप स्पॉट पे है 7 साल से इन दी एवरेज 22 PIC matrix सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड में, दैट इज एक्सेंचर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो ये जो अवार्ड्स है द एवरेज 23 PIC matrix सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसमें जो आईटी कंपनी में जो एक्सेंचर है वो 7वीं बार जो है वो टॉप कर रही है, ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इसके बाद रैंक आता है टीसीएस का, देन कैपजेमिनी, विप्रो एंड देन एचसीएल, ओके। सो ये टॉप कंपनीज के नाम मैंने आप लोगों को बताया है, ओके, सो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च बाय इसरो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर द फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है जो कि लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एंड जो अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर में है उनके लिए, ठीक है, जो कि फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो उस प्रोग्राम का नाम है स्टार्ट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, जो कि इसका फुल फॉर्म है, ओके। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको स्टार्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सो आपको ध्यान में रखना है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। सो ये जो प्रोग्राम है ये पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स जो कि फाइनल ईयर्स में है फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, उनके लिए इसरो द्वारा स्टार्ट प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया है, ओके। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द क्लाइमेट क्लब एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सो इंडिया को कंसिडर किया गया है कि वो क्लाइमेट क्लब को जो है वो ज्वाइन करेगा। सो ये जो एक इनिशिएटिव है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किया गया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G7। सो ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज है इन्होंने क्लाइमेट क्लब इस एनवायरमेंटल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसे इंडिया भी ज्वाइन करने वाला है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। G7 कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आती है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ओके। सो G7 ने क्लाइमेट क्लब को जो है एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसमें इंडिया जो है वो ज्वाइन करने वाला है, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट वन, तो उत्तर प्रदेश government has approved the establishment of first pharma park in Dash district of Bundelkhand। So उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने recently जो है पहला फार्मा पार्क इंडिया का जो है वो एस्टैब्लिश किया है। सो ये पूछा गया है कि बुंदेलखंड की कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसे बनाया गया है, दैट इज इन ललितपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बुंदेलखंड का, वहाँ पर इस फर्स्ट फार्मा पार्क को जो है इस्टेब्लिश किया गया है, ओके। एंड इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दे दिया है, ओके। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो ललितपुर में जो है इंडिया का पहला फार्मा पार्क जो है वो एस्टैब्लिश होने वाला है, ओके। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, which regulatory body has issued the NBFC license to gate वांटेज? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी इसमें से रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गेट वांटेज को NBFC का लाइसेंस जो है वो देने वाली है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेट वांटेज एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सो इसे NBFC का लाइसेंस जो है RBI से देने के लिए RBI ने अनुमति दे दी है। तो RBI क्या करेगा, इसे NBFC का लाइसेंस जो है वो जारी करेगा, ओके। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, सो उसका नाम क्या है? ऑपरेशन बुलंद भारत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बुलंद भारत जो है ये एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि वेस्ट कमांग एंड तमांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर इसे कंडक्ट करवाया गया, ओके। नेक्स्ट वन, इंडिया फिनिश विद 3 ब्रॉन्ज मेडल एट 2023 IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया ने फिनिश किया 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ आईबीए का मेंस का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप. सो ये चैंपियनशिप कौन से कंट्री में हुआ ये पूछा जा रहा है, ये हुआ उज्बेकिस्तान में. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में 30 अप्रैल से 14 मई के बीच में जो है 2023 का आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुआ, इंडिया ने इसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किए. दीपक भोरिया ने 51 kg कैटेगरी में किया, मोहम्मद हसुद्दीन ने 57 kg कैटेगरी में किया एंड निशांत देव ने 71 कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. ओके, नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स हैज टेकन ऑफ डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनस ALS-50 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग लॉइटरिंग munitions has been received by Indian Air Force. It has been developed by. So Indian Air Force जो है इसने क्या किया है, फर्स्ट बैच ऑफ जो ALS-50 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग लॉइटरिंग munitions जो है इसको रिसीव कर लिया है. सो ये जो munitions है किसके द्वारा डेवलप किए गए ये हमें पूछा जा रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है इसके द्वारा इसे जो है डेवलप किया गया है. अब ये लॉइटरिंग munitions क्या होते हैं, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है. सो ये एक एरियल वेपन है जो कि क्या करता है, ये म्यूनिशंस क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर जहाँ पे टारगेट एरिया होता है वहाँ पे रुकता है और टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है. जैसे उसे टारगेट मिल जाता है उसे वो अटैक करता है. ओके, सो लॉटरिंग म्यूनिशन को सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, एक प्रकार के ड्रोन होते हैं. ओके, सो फर्स्ट बैच जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने अचीव किया है, जिसको डेवलप किया गया था टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा. सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट वन, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव अ रीडिंग लाउंज. इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. क्या बोला गया यहाँ पे कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है जहाँ पे रीडिंग लाउंज जो है वो बना है. ओके, सो ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये पूछा गया, तो ये वाराणसी में सिचुएटेड है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिस पर रीडिंग लाउंज जो है बना है और ये ऐसा इंडिया का पहला एयरपोर्ट है, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो वाइस वर्सा आपको क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, ठीक है. और क्वेश्चन जब भी आप करते हो, कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो, मैं आपको जिस वे से देती हूँ उतना ही मत ध्यान में रखिए. आप जिस क्वेश्चन को मैंने उसमें से नहीं पिक किया है और जो डेटा एक्स्ट्रा मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का है आप आंसर कर सको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं. इन्होंने 2023 का वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीता है. सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का मैंने लीस्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. ओके, सो आप यहाँ से जो भी अवार्ड्स दिए गए, जैसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, देन वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, कम बैक ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, देन लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड एंड लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी. ओके, सो ये सारे मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किए हुए हैं उनके नाम के साथ और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो आपको ये लिस्ट सारी अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी. और ये जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड होता है ये इक्वलेंट टू ऑस्कर होता है इन स्पोर्ट्स कैटेगरी. ओके, सो ये काफ़ी बड़ा अवार्ड जो है माना जाता है. ओके, सो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वन लिस्ट दिया हुआ है वो आप एक बार पढ़ सकते हो. और फर्स्ट विनर जो थे इस अवार्ड को पाने वाले वो टाइगर वुड्स थे, जो कि अमेरिकन गोल्फर. Okay, next one. Which of the following space agencies has launched Tropics Mission? Tropics Mission का full form बताया गया है ब्रैकेट में time resolved observation of precipitation structure and storm intensity with the constellation of small sats. So कौन सी space agency ने Tropics Mission को जो है launch किया है? So वो है NASA. Option C इस question का correct answer रहेगा. Tropic का full form ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि exam में पूछा जा सकता है. आपको complete Tropic का नहीं पूछा जाएगा, तो उनमें से कोई एक लेटर पिक करके आपको पूछा जा सकता है. ओके, सो आप इसका पूरा फुल फॉर्म अच्छी तरीके से समझ लीजिए. टाइम रिजॉल्व्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रोम इंटेंसिटी विद अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्मॉल सैट्स. ओके, सो नासा ने इसे लॉन्च किया है इस मिशन को. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज अनाउंस टू इंट्रोड्यूस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम अक्टूबर 2023. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है यूरोपियन यूनियन. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. और इसे 2023 अक्टूबर से जो है शुरू किया जाएगा. ओके, इस मैकेनिज्म को. अब ये जो मैकेनिज्म है ये फीट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का पार्ट है और जो कि यूरोपियन यूनियन का प्लान है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने का बाय एटलीस्ट 55% बाई द ईयर 2030। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को जो है इंट्रोड्यूस किया है, ये बात ध्यान में रखना है। इसे अक्टूबर 2023 से जो है इसे शुरू करने की घोषणा भी कर दी गई है। जो CBAM है वो फिट फॉर 55 एंड 2030 पैकेज का पार्ट है, ठीक है। अब ये फिट फॉर 55 एंड 2030 पैकेज क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का प्लान है जिसके थ्रू ग्रीन हाउस गैस जो है उसके एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा बाय एटलीस्ट 55% और 2030 तक इसे रिड्यूस करने का जो है ऐसा प्लान किया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया कि करेंसी एंड फाइनेंस का रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, तो वो आरबीआई ने रिलीज किया है। इसका थीम है टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। ओके, सो करेंसी एंड फाइनेंस का रिपोर्ट जो है आरबीआई द्वारा रिलीज हुआ है जिसका थीम है टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइन अ सप्लीमेंट्री जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद एनपीसीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एंड रिस्ट्रक्चर द जॉइंट वेंचर कंपनी अश्विनी। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो है एग्रीमेंट साइन किया है एनपीसीआई के साथ, ठीक है। सो वो है एनटीपीसी लिमिटेड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एनटीपीसी लिमिटेड ने एनपीसीआई के साथ जो है जॉइंट वेंचर जो है एक साइन किया है और इसको साइन करके वो लोग डेवलप करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड जो अश्विनी कंपनी है उसको रिस्ट्रक्चर भी करने वाले हैं। ओके, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और एक और बात आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एनटीपीसी ने जो है अपना इंस्टॉल कैपेसिटी जो इसका बढ़ चुका है, अभी इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आपको पूछा गया कि एनटीपीसी का कितना है, दैट इज 72,304 मेगावाट एज ऑफ 2023। ओके, सो ये जो कैपेसिटी ये भी इंक्रीज हुआ, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई कि एनटीपीसी ने अपना जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भी एक्सटेंड किया है और एट प्रेजेंट है 72,304 मेगावाट। ओके, एनटीपीसी एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे हमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कंपनी ने एनपीसीआई के साथ जो है एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है, तो एनपीसीआई और एनटीपीसी ने ज्वाइन किया है जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं एंड जो जॉइंट वेंचर कंपनी अश्विनी है उसे रिस्ट्रक्चर भी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 फ्रॉम December 1 to 5 विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सो फिफ्थ एडिशन का ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है December 1 से 5 के बीच में जो है कौन से सिटी में मनाया गया ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इसका थीम था एमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रीसर्जेंट आयुर्वेदा। ओके, सो आंसर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, मैंने आप लोगों को एक बात कही, December 1 और 5 की बात की जा रही है, तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाएगा फ्रॉम December 1 to December 5। ओके, सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि फिफ्थ एडिशन का जो आयुर्वेदा फेस्टिवल है वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में जो है तिरुवनंतपुरम, केरला में जो है मनाया जाएगा, जिसका थीम है एमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रीसर्जेंट आयुर्वेदा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंडन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लंडन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो है इनमें से कौन से सिटी में जो है सेटअप करेगा, दैट इज इन हैदराबाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 1,000 जॉब अ ईयर, बूस्ट द बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर इन दी सिटी। ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो लाने वाला है हैदराबाद में, इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो है हर साल में जो है वो होने वाली है एंड इससे बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर भी बूस्ट होगा। ओके, सो कहाँ पे टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने वाला है, ठीक है, वो बनने वाला है हैदराबाद में। सो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट वन, द शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फॉरम 2023 इज ऑर्गेनाइज बाय। सो एचसीओ का स्टार्टअप फॉरम जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, वो स्टार्टअप इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, SCO Startup Forum is organized by the Startup India, which is a flagship initiative of the Government of India to promote the growth of startups in the country. ठीक है, स्टार्टअप्स का ग्रोथ होने के लिए कंट्री में इस फ्लैगशिप इनिशिएटिव को जो है स्टार्टअप इंडिया द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, इस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो चीफ पार्टिसिपेट इन 35th इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पैट्रोल। सो 35th जो कॉर्पैट है इसमें कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया ये हमें बताना है। INS केसरी एंड HTMS साइबुरी, ऑप्शन बी इस ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। केसरी एंड साइबुरी ये दो जो शिप्स है इसने इस 35th कॉर्पैट में जो है पार्टिसिपेट किया है। ओके, कॉर्पैट जो है वो इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में कंडक्ट हुआ, ठीक है, 3 से 10 मई के बीच में। ओके, इस साल का जो एडिशन था वो 35th एडिशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्ट प्रपोज बाय DGTR, व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर लगाया जा रहा है। सो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। ओके, सो एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है अ पेनाल्टी ऑन एक्सपोर्टर्स फॉर सेलिंग गुड्स बिलो देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको पेनाल्टी दी जाती है जब वो मार्केट वैल्यू से नीचे उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तब। ओके, सो उससे होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब कि एक प्रकार की पेनाल्टी होती है एक्सपोर्टर्स के लिए। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो DGTR जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, इन्होंने जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ऑप्टिकल फाइबर जो इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर जो है लगाई है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार की पेनाल्टी होती है एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो कि गुड्स को मार्केट वैल्यू के नीचे में बेचते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज साइन एग्रीमेंट विद PBRO, अ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, टू एक्सपांड द रीच ऑफ रुपे कार्ड्स एंड UPI, व्हाट इज NIPL। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है NIPL इसने एग्रीमेंट साइन किया है PPRO के साथ। ओके, PPRO क्या है, ये एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ओके, सो NIPL ने PPRO के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू रुपे कार्ड्स एंड UPI जो है उसको एक्सपांड किया जाएगा। सो ये NIPL क्या है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। NIPL जो है अगेन क्वेश्चन में ही दिया गया था, ये ग्लोबल डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था, बल्कि यहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए कि NIPL ने PPRO के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू रुपे कार्ड्स एंड UPI पेमेंट्स को एक्सपांड किया जाएगा। सो व्हाट इज NIPL, सो NIPL इज व्हाट, NIPL इज अ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग अभी इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को देखने वाले हैं, एंड बुलेट न्यूज़ भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बुलेट न्यूज़ कवर अप की जाती है। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी बुलेट न्यूज़ को, एंड उनमें का सबसे पहला कैटेगरी देखेंगे हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक भी स्किप नहीं करना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है, पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक बाय मार्किंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड footpath and cycle track in all the फ्यूचर एक्सपांजन ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्शन। सो पंजाब जो है वो पहला इंडियन स्टेट बन गया है जिसने राइट टू वॉक को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंडेटरी जो है कर दिया है, मतलब कि जो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको ये कह दिया है कि राइट टू वॉक जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। मतलब इसी का मतलब ये कि जो फुटपाथ होते हैं, जो साइकिल ट्रैक्स होते हैं, इनके लिए जो रोड है, इनके लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाएगा। ठीक है, सो राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला इंडियन स्टेट बना है पंजाब, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल डिक्लेयर तुंगनाथ टेम्पल एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने डिक्लेयर किया कि तुंगनाथ टेम्पल को एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, एंड ये जो तुंगनाथ टेम्पल है कहाँ पे सिचुएटेड है, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च सुप्रीम इनिशिएटिव। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, एंड साथ ही साथ सुप्रीम का आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, ओडिशा हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर द पीपल ऑफ सदभाया इन केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कोस्टल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। सो इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि अंडर आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव ओडिशा जो है वो कंट्री का पहला रीसेटलमेंट कॉलोनी जो है वो बिल्डअप करने वाला है सतबाया लोगों के लिए केंद्रापदा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो ये किनके लिए किया जा रहा है? जिनका घर जो है वो डिस्प्लेस हुआ ड्यू टू कोस्टल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज, उन लोगों के लिए जो है उड़ीसा में जो है पहला रिसेटलमेंट कॉलोनी जो है वो बनने वाला है। ओके, केंद्रापदा डिस्ट्रिक्ट में सतबाया लोगों के लिए। ओके, सो इस किस इनिशिएटिव के अंडर में ये डेवलप होने वाला है? आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव के अंडर में जो है ये बिल्डअप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैज अनवेल 12-foot स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन मॉरिशियस। सो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने 12 फीट टॉल स्टैचू जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का मॉरिशियस में अनवेल किया। ओके, द नेक्स्ट वन, सेबी अलॉन्ग विद बीएसई एंड एनएसई हैज एस्टैब्लिश एन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर इन न्यू दिल्ली। सो सेबी ने बीएसई एंड एनएसई के साथ मिलकर इन्वेस्टर सर्विस सेंटर को न्यू दिल्ली में जो है एस्टैब्लिश किया है। देन बांग्लादेश host the 6th Indian Ocean Conference scheduled to be held between May 12 to 13 in Dhaka, Bangladesh. So क्या बोला जा रहा है? बांग्लादेश जो है 6th नंबर का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि 12 से 13 मई में ढाका बांग्लादेश में हुआ, उसको होस्ट किया है बांग्लादेश ने ही। ओके, the next one, Kiran Rijiju has launched the trailer of the first ever movie in Tajin language, Love in 90s. Tajin language is mainly spoken in Arunachal Pradesh. So देखिए, किरण रिजिजू जो है इन्होंने ट्रेलर जो है लॉन्च किया है। ये फर्स्ट एवर मूवी है जो कि ताजिन लैंग्वेज में बनाई जा रही है, जिसका नाम है लव इन 90s। ओके, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फर्स्ट चीज़ें होती है वो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो जब भी कोई फर्स्ट पता चल रहा है वो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ओके, सो ताजिन लैंग्वेज मोस्टली जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही बोली जाती है। ओके, सो पहला मूवी जो है उस लैंग्वेज में बन रहा है एंड इसका ट्रेलर किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। ओके, एंड मूवी का नाम है लव इन 90s। ओके, नेक्स्ट वन, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव 82 बिलियन डॉलर लोन टुवर्ड्स अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड टू प्रिवेंट जूनोटिक डिसीजेज इन इंडिया। सो वर्ल्ड बैंक ने जो है 82 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव कर दिया गया है फॉर द ग्लोबल हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए एंड जूनोटिक डिजीजेस जो इंडिया में है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वन न्यूज़ देखते हैं अभी हमारी। पाकिस्तान एंड चाइना हैव एग्रीड टू एक्सटेंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और चाइना ने एग्री कर लिया है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे एक्सटेंड किया जाएगा टू अफगानिस्तान। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। अब एक्सटेंड कर दिया गया तो आपको ये पूछा जाता है कि ये मिशन कब लॉन्च हुआ, तो ये ध्यान में रखना है। ये मिशन लॉन्च हुआ 2015 में, स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एंड इसके लिए कितना बजट अलॉकेट किया गया है? 16,000 करोड़ रुपीज़। ओके, शांति निकेतन हैज़ बिन रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। सो शांति निकेतन जो है वो रिकमेंड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। सो अभी देखते हैं ये ऐड होता है या नहीं होता है, इसके लिए रिकमेंड किया गया है, ये वेस्ट बंगाल में है। Okay, then Indian Post and Confederation of All India Traders and Tripta Technologies have created Bharat E-Mart Portal. So Bharat E-Mart Portal को जो है India Post, Confederation of All India Traders and Tripta Technologies द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। वायनाड केरला हैव बिकम द फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इंडिया का पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट जो है वो वायनाड केरला जो है बन चुका है। ODF क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। ओके, सो वायनाड केरला जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का। नेक्स्ट वन, आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैज लॉन्च आयुष्मान आसाम स्कीम अंडर द मुख्यमंत्री जन आरोग्य इन गुवाहाटी। सो आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने आयुष्मान आसाम स्कीम को जो है लॉन्च किया है अंडर द मुख्यमंत्री जन आरोग्य, और कहां पर लॉन्च किया है? गुवाहाटी में। ओके, विवाद से विश्वास वन रिलीफ टू एमएसएमई स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये एमएसएमई के रिलीफ के लिए इस स्कीम को लाया गया है एंड इस स्कीम को रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। भूटान लॉन्च नाइकअप गोकअप अ न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एम एट प्रमोटिंग लोकल इनोवेटिव आइडियाज एंड सोल्यूशन। सो क्या बोला जा रहा है? भूटान ने नाइकअप गोकअप जो है एक न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, ठीक है, जिसके थ्रू लोकल इनोवेटिव आइडियाज एंड सोल्यूशंस को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोमुलगेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मणिपुर टू टेक द चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए जो आर्टिकल है 355 उसको लागू किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, उत्तराखंड लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन ऑपरेशन मर्यादा। सो उत्तराखंड ने स्पेशल कैंपेन ऑपरेशन मर्यादा को जो क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज इन जम्मू कश्मीर। सो सिंथन स्नो फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराया गया। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है इनर लाइन परमिट्स के लिए जो है लॉन्च किया। टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, द द्वाकी लैंड पोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय। सो क्या बोला जा रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, इंडिया एंड बांग्लादेश में ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए द्वाकी लैंड पोर्ट जो है उसे इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय द्वारा। द्वाकी लैंड पोर्ट जो है वो मेघालय बेस के जैंताई हिल्स में जो है वो सिचुएटेड है। ओके, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है वो ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ। गूगल अनाउंस द ग्लोबल लॉन्च ऑफ इट्स एआई चैटबॉट बार्ड इन 180 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। सो गूगल ने नया चैटबॉट बार्ड जो है वो लॉन्च किया है इंडिया में और अदर 180 कंट्रीज में। ओके, सो ओवर 180 कंट्रीज में जो है गूगल ने जो है एआई चैटबॉट बार्ड को जो है लॉन्च किया है। ओके, ओएनजीसी डिस्कवर्ड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन 2 ब्लॉक इन मुंबई ऑफशोर व्हिच हैज बीन नेम्ड अमृत एंड मूंगा। सो ओएनजीसी ने क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के 2 ब्लॉक्स जो है वो डिस्कवर किए हैं, ठीक है, जिसका नाम है अमृत एंड मूंगा। ओके, नेक्स्ट वन, इंडिया फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। पीएम औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड एट वारसीगुड़ा इन सिकंदराबाद। ओके, सो पीएम जन औषधि केंद्र जो है वो इनॉग्रेट किया गया सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा में। दीपिका पादुकोण फीचर की गई टाइम मैगजीन में, ठीक है, टाइम मैगजीन का जो कवर है उसमें दीपिका पादुकोण को फीचर किया गया। देन 16 फीमेल एंड 2 मेल स्वॉर्म डियर, मतलब कि टोटल 18 जो है वो बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व में जो है वो रिलीज किए गए, ठीक है। 16 फीमेल एंड 2 मेल स्वाम डियर जो है वो रिलीज किए गए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। ओके, यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ज़िबिन ईरानी लॉन्च पोषण भी पढ़ाई भी एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम अंडर मिशन सेक्शन आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। सो ज़िबिन ईरानी जो है, स्मृति ज़िबिन ईरानी, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। इन्होंने पोषण भी पढ़ाई भी इस कैंपेन को जो है लॉन्च किया गया है। ओके, ये एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि मिशन सेक्शन आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंडर में आता है। ओके, न्यू बॉर्डर हाट एट भोलागंज इन सलात हैज बीन इनॉग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन हिंगोली, महाराष्ट्र, ठीक है। सो मोदी जी ने क्या किया है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को जो है हिंगोली महाराष्ट्र में जो है इसका आधारशिला रखी है। ओके, एंड सिलात के भोलागंज में बॉर्डर हाट जो है वो इनॉग्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट, विस्तारा बिकम फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑपरेट अ कमर्शियल एंड वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, विस्तारा जो है इंडिया का पहला एयरलाइन है जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इस्तेमाल करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ एडीबी लोन्स इन एशिया। एडीबी लोन्स में सबसे ज़्यादा टॉप किसने किया है, मतलब कि एडीबी से सबसे ज़्यादा लोन्स एशिया में लेने वाला है पाकिस्तान। ओके, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोन जो एडीबी से लिया है वो पाकिस्तान ने लिया है। ओके, नेक्स्ट वन है, ऑयल मिनिस्ट्री पैनल प्रपोज अ बैन ऑन 4 व्हीलर डीजल व्हीकल्स बाय 2027। सो ऑयल मिनिस्ट्री पैनल ने ऐसा प्रपोज किया है कि 4 व्हीलर्स जो है वो डीजल वाली जो गाड़ियाँ होने वाली है 4 व्हीलर्स, उसको 2027 से बैन किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि डीजल वाली जो 4 व्हीलर है उसे बैन रहेगा 2027 से। उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया है जो कि डिजिटल हेल्थ कार्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बना रहा है। ओके, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव द ड्रोन सर्विलियंस इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। केरला जो है वो पहला स्टेट बना है जो कि ड्रोन सर्विलियंस को सारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है। ओके, एंड आंध्र प्रदेश लॉन्चेस ई चीट ऐप। आंध्र प्रदेश ने ई चीट ऐप को जो है वो लॉन्च किया है। ओके, उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ कार्ड को बनाने वाला पहला स्टेट बना है एंड केरला जो है वो ड्रोन सर्विलेंस को सारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में रखने वाला पहला स्टेट बना है। ओके, आई होप आप सभी को जो भी हमने नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस की अभी वो सारी समझ आई होगी। अभी हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की ओर पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस है। ये अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप लोगों के लिए इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने ही मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने कवरअप नहीं किए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, वो हम न्यूज़ के फॉर्म में कवरअप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, वीज़ा लॉन्च है CVV फ्री पेमेंट फॉर टोकनाइज क्रेडिट इन इंडिया। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वीज़ा क्या कर रहा है, न्यू CVV फ्री सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टोकनाइज कार्ड्स जो इंडिया में लाए गए उसके लिए। सो इसमें जो है कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब कि 16 डिजिट कार्ड नंबर जो होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, CVV नंबर की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, एनी अदर कोई कार्ड डिटेल्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो दिस एनहांस द सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड। ओके, सो वीज़ा ने लॉन्च किया है CVV फ्री पेमेंट्स फॉर टोकनाइज क्रेडिट इन इंडिया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है RBI हैज़ अनाउंस्ड टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट। ओके, यहाँ पे फिन का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क। ओके, सो RBI ने ग्लोबल इनोवेशन फाइनेंशियल नेटवर्क जो है ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट में भाग लेने की घोषणा की है, ठीक है, कि वो गिफिन ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट वन है द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड टू लोअर द थ्री शोल्ड फॉर मैंडेटरी ई वॉइसिंग अंडर द GST टू ₹5 करोड़ फ्रॉम 10 करोड़ एट प्रेजेंट, इफेक्टिव फ्रॉम August 1। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो ई इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी जो अमाउंट होती थी, थ्रेशोल्ड अमाउंट, उसे रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। पहले हुआ करती थी 10 करोड़, अब उसे रिड्यूस करके 5 करोड़ कर दिया गया है, जो कि लागू होगा 1 अगस्त से। ओके, देन देबदत्ता चंद जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट स्विस बॉट इक्वेडोरियन बॉन्ड्स वर्थ $1.6 बिलियन इन डेप्ट फॉर नेचर स्वॉप विच इज एम एट कंजर्वेशन ऑफ गैलापागोस आइलैंड। ओके, सो क्रेडिट स्विस ने क्या किया है, 1.6 बिलियन इक्वेडोरियल बॉन्ड्स को जो है इन डेब्ट जो है वो लिया है, जिसके माध्यम से वो क्या करेगा, गैलापागोस आइलैंड जो है उसका कंजर्वेशन करेगा। ओके, सो उसके लिए उसने इतना अमाउंट जो है वो डेब्ट में लिया है। ओके, सो नेक्स्ट वन पॉइंट है HDFC बैंक जो है उसने रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है विशेष सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया की कस्टमर्स के लिए। ओके, देन रजनीश कर्नाटक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के MD अपॉइंट हुए। यहाँ पे 2 MDs हम लोगों ने देखा, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD बने देबदत्ता चंद एंड बैंक ऑफ इंडिया के MD बने हैं रजनीश कर्नाटक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। देन निर्मला सीतारमन ने अटेन किया है 56 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 56 एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, ठीक है, उसको निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया है। देन 27 मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ। RBI ने 2.92 करोड़ का पेनल्टी कैनरा बैंक पे जो है वो लगाया है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को HSBC बैंक का भी पेनल्टी पता है, आई होप आप सभी को पता होगा, दैट इज 1.73 करोड़ रुपीज़। ओके, एंड कैनरा बैंक पे लगाया 2.92 करोड़ का। यहाँ पे जितनी भी हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की न्यूज़ पढ़ी वो सारी ईच एंड एवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको सारी अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस। अपॉइंटमेंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मार्गरेटा डेला वेले अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल एंड परमानेंट CEO ऑफ द वोडाफोन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वोडाफोन की पहली फीमेल बनी है एंड पहली CEO बनी है, इसलिए ध्यान में रखना है, मार्गरेटा बनी है वोडाफोन की फर्स्ट परमानेंट एंड फर्स्ट फीमेल CEO। ओके, देन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो नेक्स्ट बनने वाला है दैट इज इंडियन ओरिजिन अजय बंगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क निकोलस टू बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ MCC, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाला है दैट इज मार्क निकोलस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तीनों अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछी जा सकती है। वेकफिट ने जो है आयुष्मान खुराना को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। इंडियन ओरिजिन नीरा टंडन जो है बिकेम द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियन ओरिजिन जो है ये नीरा टंडन, इन्हें डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर जो है वो बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है प्रवीण सूद हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द CBI, SN सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ LNT, देन सैंटियागो पेना हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे, पैराग्वे के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए सैंटियागो पेना। ओके, नेक्स्ट वन है लिंडा याकिरिनो विल बी द नेक्स्ट CEO ऑफ द ट्विटर, सो ट्विटर की नेक्स्ट CEO बनने वाली है दैट इज लिंडा याकिरिनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है बाक के डायरेक्टर जो अजीत कुमार मोहंती है वो न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो आपको सारा ध्यान में रखना है। द गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सिद्धार्थ मोहंती एज द चेयरपर्सन ऑफ द LIC अंटिल June 29, 2024, फॉलोइंग दिस ही विल बी सर्व एज द MD एंड CEO अंटिल June 7, 2025। सो मोहंती जो है वो ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर थे LIC के, करेक्ट, लेकिन जो MR कुमार जो थे चेयरपर्सन थे उनको रिप्लेस किया था सिद्धार्थ मोहंती ने एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। सो उनका कार्यकाल जो है वो कंप्लीट हुआ था मार्च 13, 2023 में, तो उनका कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद इन्हें इंटरिम चेयरपर्सन बनाया गया है सिद्धार्थ मोहंती को, ठीक है। सो वो चेयरपर्सन का कार्यकाल जून 29 2024 तक निभाएंगे एंड आफ्टर दैट वो एमडी रहेंगे एलआईसी के एंड उसी के साथ साथ उन्हें फर्स्ट सीईओ बना दिया गया है एलआईसी का। ओके सो सीईओ एंड एमडी का कार्यकाल वो निभाएंगे जून 7 2025 तक। ओके सो मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताया वो सारे आपको ध्यान में रखना है। एट प्रेजेंट वो इंटरिम चेयरपर्सन है एलआईसी के। ओके एंड आफ्टर दैट वो एमडी एंड सीईओ रहेंगे। आपको क्वेश्चन अगर पूछा गया कि एलआईसी के न्यू एंड फर्स्ट सीईओ किसे अपॉइंट किया जाएगा या फिर कौन होने वाला है, दैट इज सिद्धार्थ मोहंती, यही ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट वन है चीफ जस्टिस जो बने हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के वो है जस्टिस टीएस शिवगननम। ओके देन आलिया भट्ट जो बनी है वो गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देन रथिंद्र रमन जो है वो बने हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में सिचुएटेड है उसके चेयरमैन। देन जस्टिस वेंकट नारायण भट्टी जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला। ओके एंड इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस एस मनी कुमार को। ओके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर चलते हैं। बैडमिंटन एशिया अपॉइंट्स उमर रशीद एज अ चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी। सो उमर रशीद जो है इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी का, ठीक है। नेक्स्ट है एस एन सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एलएनटी। ओके ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि एस एन सुब्रमण्यम जो है एलएनटी के चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट हुए। देन कार्तिक बालागोपालन जो है वो बने हैं एमडी ऑफ पुमा इंडिया। देन गीता राव गुप्ता जो है वो यूएस ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ग्लोबल विमेन इशू। सो ग्लोबल विमेन इशू की जो यूएस एम्बेसडर अपॉइंट हुई है दैट इज गीता राव गुप्ता। देन आशुतोष दीक्षित जो है वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो अपॉइंट हुए हैं। रवनीत कौर जो है वो चेयरपर्सन बने हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। भावेश गुप्ता अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द पेटीएम एंड यूरोफ्लेक्स ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अनाउंस किया है। ओके सो यहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, ब्रांड एम्बेसडर जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो कंप्लीट होते हैं। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कहा है वो सारे आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स में पहला अवार्ड है हमारा प्रोफेसर जयंत वीर नार्लिकर हैज बीन प्रेजेंटेड द फर्स्ट एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जयंत वीर नार्लिकर को जो है प्रेजेंट किया गया। ओके देन चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने जो है सिल्वर अवार्ड जीता है इन कार्बन रिडक्शन कैटेगरी इन दी ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। डॉक्टर एम एन नंदकुमार अवार्डेड द ऑनररी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय किंग चार्ल्स III फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल आर्ट्स इन ब्रिटेन। ओके सो डॉक्टर एम एन नंदकुमार का जो इंडियन क्लासिकल आर्ट्स था जो कि उनने ब्रिटेन में कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके लिए उन्हें किंग चार्ल्स III द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया है। ओके देन मारिया स्टेपानोवा जो है उन्हें अवार्ड दिया गया है लिब्जिंग बुक प्राइज का। ओके देन पंडित रामाकृष्ण अवार्डेड द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी इन न्यू दिल्ली। ओके जो पंडित रामाकृष्ण जो है इन्हें शताब्दी पुरुष मतलब कि मैन ऑफ सेंचुरी जो है इसका अवार्ड दिया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ऑनर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विद भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फेयर फ्री उत्तर प्रदेश। सो रामनाथ कोविंद जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके इंडिया के, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के इन्हें जो है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो है इससे नवाजा गया और इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया फॉर क्रिएटिंग अ फेयर फ्री उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को फेयर फ्री बनाने के लिए जो है इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो है योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना रहेगा। एक और अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है, देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ऑफ उत्तर प्रदेश अवार्डेड हुडको अवार्ड इन द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव द लिविंग एनवायरमेंट 22-23 कैटेगरी फॉर क्लीनलीनेस। ओके यूनेस्को मार्क वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बाय अवार्डिंग इट्स एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइजेस टू 3 इम्प्रिजन इरानियन फीमेल जर्नलिस्ट। ओके सो यूनेस्को ने मार्क किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को एंड उस दिन इन्होंने ये 3 जो इम्प्रिजन इरानियन फीमेल जर्नलिस्ट है उन्हें ये अवार्ड देकर जो है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को जो है मार्क किया है। ओके सो वो 3 ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट कौन सी है, नीलोफर हमीदी, इलाहिल मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी। ये 3 ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट है, ठीक है। वे रिकॉग्नाइज फॉर देयर वर्क इन रिपोर्टिंग ऑन ह्यूमन राइट अब्यूजेस इन ईरान एंड देयर कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके सो यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को मार्क किया है बाय अवार्डिंग दिस 3 फीमेल्स। ओके और इन 3 फीमेल्स को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है वो दिया गया। एंड इसी के साथ एक और चीज़ बताती हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन से दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 3 मई को, मतलब कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ओके सो यहाँ पे हमारे अवार्ड्स कंप्लीट होते हैं। अभी हम लोग डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करते हैं। 4th एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति जो है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में जो है मनाया जाता है। Okay, the next one, Union Minister of Defence Shri Rajnath Singh has informed that fourth positive indigenization list of 928 strategically important line replacement unit, subsystem, spares and component has been approved. The list included high-end materials and spares with import substitution value worth rupees 715 crore. ठीक है, so राजनाथ सिंह जो है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने 928 जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स है, सब सिस्टम्स है, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स है, वो 928 टोटल इन्होंने अप्रूव कर दिए, जिसके लिए कॉस्टिंग बताई जा रही है 715 करोड़. सो आपको सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि राजनाथ सिंह ने जो है 928 स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम, स्पेयर्स पार्ट्स एंड कंपोनेंट को अप्रूव कर दिया गया है. ओके, एंड उसके लिए जो अमाउंट बताई गई है दैट इज 715 करोड़ रुपीज. सिंपल. देन नासा इज डेवलपिंग अ स्नेक लाइक रोबोट नोन एज exobiology extant life's survivor, which it says can boost space exploration through its diverse adaptability to various terrains. Its purpose is to examine the surface of the Saturn moon and determine whether life is present. So NASA बताया जा रहा है कि NASA जो है वो develop कर रहा है snake like robot, ठीक है, जिसको EELS बोला जा रहा है. EELS का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वाइवर. ओके, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि सैटर्न के ऊपर जो मून का जो सरफेस है उसे एग्जामिन करना और देखना कि वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है क्या. ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है. 64th जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डे था उस सेलिब्रेशन के टाइम पे. ओके, सो 64th बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सेलिब्रेशन था, उस टाइम पे एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान को जो है ऑर्गेनाइज कराया गया. एंड ये जो BRO डे, ये कौन से दिन मनाया जाता है? 64th रेजिंग डे जो था BRO का, वो था May 7 को. ओके, सो BRO सेलिब्रेटेड 64th रेजिंग डे ऑन May 7, जिस दिन एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान को जो है ऑर्गेनाइज कराया गया. ओके, द नेक्स्ट वन, इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड 5 विमेन ऑफिसर इनटू अ रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी. ओके, इंडियन आर्मी ने 5 विमेन ऑफिसर्स को जो है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में जो है इंडक्ट किया है. एंड 5 विमेंस के नाम क्या है, मैंने यहाँ पे मैंशन किए हुए, महक, साक्षी, अदिति, पायस, आकांक्षा, ये जो है ये 5 विमेंस है जिन्हें ऐड किया गया है. ओके, नेक्स्ट वन है, इंडियन आर्मी कंडक्ट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन आसाम. सो फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत जो है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया आसाम में. ओके, ठीक है, सो यहाँ पे हमारा डिफेंस जो है वो कंप्लीट होता है. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, दैट इज स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट है, डिंग लेरन बिकेम द चाइनाज वर्ल्ड चेस चैंपियन. सो चाइना के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं डिंग लेरन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना रहेगा. देन अबिलास टॉमी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस 2022. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. अबिलास टॉमी जो है ये पहले इंडियन है जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया है एंड इसमें ये सेकेंड आए हैं. ओके, ये भी ध्यान में रखना है कि इनका रैंक कौन सा आया, सेकंड आया. और फर्स्ट जो आई है दैट इज साउथ अफ्रीकन सेलर क्रिस्टिन जो है वो फर्स्ट आई है. ओके, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक एक्स नेवी कमांडर थे और ये फर्स्ट इंडियन है, एशियन है, जिन्होंने सोलो सेलिंग जो है किया है. 236 डेज टोटल इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए. ओके, अबिलास टॉमी, ये ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट, मिराज अहमद खान एंड गिनेमत सिकोम विन गोल्ड फॉर द इंडिया इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इन कैरो इजिप्ट. सो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है कैरो इजिप्ट में हुआ, इसमें मिराज अहमद खान एंड गिनेमत सिकोम ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है. ओके, नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल अनाउंसेस रिटायरमेंट. सो शबनम इस्माइल जो है शबनम इस्माइल, इन्होंने रिटायरमेंट जो है ये अनाउंस किया है. ये साउथ अफ्रीके फास्ट बॉलर है. ओके, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा क्लिंचेस दोहा डायमंड लीग टाइटल. दोहा का जो डायमंड लीग टाइटल है इसमें नीरज चोपड़ा ने जो है जीत हासिल की है. ओके, देन तेलंगाना के जो विपुला प्रणीत है ये इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर जो है वो बने हैं. देन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो साउथ कोरिया में हुई. एंड आयुष्मान खुराना हैज बीन इन्वॉल्व एज एम्बेसडर ऑफ द इंडियन स्पोर्ट टीम विच विल पार्टिसिपेट इन जून 23 स्पेशल ओलंपिक बर्लिन जर्मनी. सो स्पेशल ओलंपिक्स जो होने वाले हैं बर्लिन जर्मनी में, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना को किया गया है. ओके, सो इंडियन क्रिकेट टीम जो रहेगी, इंडिया की जो स्पोर्ट टीम रहेगी, उसके एम्बेसडर रहेगी आयुष्मान खुराना. ठीक है, स्पेशल ओलंपिक आप सभी को पता होगा, जो डिसेबल्ड होते हैं उनको स्पेशल ओलंपिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो जून 2023 का बर्लिन जर्मनी में होने वाला है एंड इंडिया की जो स्पोर्ट टीम है उसके एम्बेसडर रहेगा आयुष्मान खुराना, ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड चेस लीग, ग्लोबल चेस लीग 23 विल बी हेल्ड इन दुबई यूएई। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग जो है, ग्लोबल चेस लीग जो है वो दुबई में होने वाला है। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल हॉकी teams for the period of next 10 years from 2023 to 2033. ओके, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है इंडिया नेशनल हॉकी टीम का, 10 साल से आगे कर दिया गया है, 2023 से 2033 होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर, अगेन इंपॉर्टेंट, करेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन जो बुक है ये लिखी गई है शशि शेखर वेम्पति द्वारा, ओके, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग ने रिलीज किया है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द सोशल सेक्टर कंपेडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। सो नीति आयोग ने इस बुक को जो है रिलीज किया है यूएनडीपी के साथ कोलैब करके, ओके। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये जो है ये के शैलजा की बुक है, ओके। द बुक टाइटल द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेसेस इज ऑथर बाय फिरोज वरुण गांधी। सो फिरोज वरुण गांधी द्वारा जो है इस बुक का जो है वो ऑथर है, द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेसेस, ओके। फिरोज वरुण गांधी जो है वो इस बुक के ऑथर है। देन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है रिफ्लेक्शन इस बुक को, जिसकी ऑथर है नारायणन वगुल। नेक्स्ट वन है अमिताभ कान्त ने ऑथर किया है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जा सकती है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के ऑथर कौन है, दैट इज अमिताभ कान्त। एंड कस्तुरी रे जो है वो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल्स, ओके। सो कस्तुरी रे जो है वो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल्स की जो है वो ऑथर है, ओके। सो ये कुछ बुक्स है जो जिसकी मैंने आप लोगों को बताया है, ये सारी बुक्स के ऑथर्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में मैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे आप लोगों को बताऊंगी, वो सारे आपको ध्यान में रखने रहेंगे। लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, सभी को पता है। दैन महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूना डे जो है वो 2 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट वन है 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका थीम भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ओके। देन उसके बाद अगर आपको कोई डे इंपॉर्टेंट है तो वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 8 मई को मनाया जाता है। देन 64th रेजिंग डे ऑफ PRO जो है वो 7 मई को मनाया गया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जो रिमेनिंग वन है मैं सारे आपको दिए हुए हैं, आप सारे पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मैंशन कर दिया है। देन 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यह भी इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 13 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया जाता है। देन 15 to 21 में एक वीक मनाया गया है UN यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ओके। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है, जिसका थीम था इस साल का आर नर्सेस आर फ्यूचर, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, मैंने फर्स्ट 15 डेज के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। जो कुछ रिपीटेडली पूछा जाता है वो मैं आपको मेंशन करती हूँ, तो वो स्पेशली आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा, ओके। लास्ट कैटेगरी है ओबिचुरी। ओबिचुरी में आता है सबसे पहला बंगाली ऑथर जो है समरेश मुजुमदार, इनका हाल ही में निधन हुआ, ओके। देन फॉर्मर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर AR खालिल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ओके। सो ये कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ओके। सो इनका ध्यान में रखना है। देखिए ओबिचुरी में यही पूछा जाता है कि वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर प्रीवियसली उन्होंने कोई अवार्ड अचीव किया होगा तो वो कौन से ईयर में अचीव किया, या फिर कौन सा अवार्ड अचीव किया, या फिर उनने प्रीवियसली क्या अचीवमेंट की है, या फिर वो क्या रह चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस को लेकर ही ओबिचुरी पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ओबिचुरी इसी तरीके से ध्यान में रखनी रहेगी। नेक्स्ट वन है रिनाउंड इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर N गोपालकृष्णन हैन पास अवे। ये जो है ये फाउंडर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज तिरुवनंतपुरम के, ओके। सो यहाँ पे हमारी ओबिचुरीज भी कंप्लीट होती है एंड हमारा सेशन भी कंप्लीट होता है। सो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखा एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी हम लोगों ने कवर अप किया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन था फ्रॉम 1 मई टू 15 मई कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट्स है और आपकी कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है, सो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, एंड अगर आप इसका ई बुक चाहते हो तो कोचिफाई के एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो ई बुक को। ओके सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।